हेलो एवरीवन, आज देखिए हम आपको ब्रेड की मिठाई बनाना बता रहे हैं। बहुत ही फटाफट बन जाती है। तो यहाँ पर हमने रबड़ी ली है, ये देखिए इतनी हमने रबड़ी रेडी कर ली है। और यहाँ कुछ हमने ब्रेड के पीस लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना करना उतना कर लीजिए। चाशनी भी बना रहे हैं, तो यहाँ हमने एक छोटी सी कटोरी हमने चीनी ली है, उतनी कटोरी नाप के हमने इसमें पानी डाल दिया, कुछ इलायची के दाने डाल दिए और यहाँ हमने थोड़ा सा केसर डाल दिया करके फिर हम इसको, ये हमारा उबलने लगा है तो इसकी हम एक तार की चाशनी हम इसको बना लेते हैं। जब तक हमारी एक तार की चाशनी बन रही है तब तक हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। यहाँ एक या दो आप ऐसे लेकर इसको कट कर लीजिए कि हमने ये साइज़ ली है ग्लास के, आप बड़ी छोटी कोई भी साइज़ आप अपने हिसाब से ले लें और इसको इस तरह से कट कर लें। ये फटाफट रेडी हो जाती है, बस थोड़ा सा रबड़ी में टाइम लगता है और कुछ नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने सभी पीसेस को कट कर लेते हैं और इस तरह से देखते हैं हमारी कितनी पीसेस रेडी हो गई हैं। ये हमारी यहाँ पर 5 पीसेस रेडी हो गई, इस तरह से 2 को मिलाकर 1 पीस आप काउंट करेंगे तो इस तरह से ये हमारी 5 पीस हो गई। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर हम 7-8 ब्रेड के ये जो चूरा है इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए ब्रेड का जो चूरा है वो हमने अच्छे से पीस लिया है, अब इसको हम कढ़ाई में डालते हैं। तो ये इतना चूरा है, आप चूरा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक का भूनते हैं। ब्रेड इस तरह से हम इसको कर लेंगे इतनी, अब इसको हम फटाफट निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। अब हमने सभी तैयारी कर ली है, ब्रेड भी रेडी हो गई, हमारी रबड़ी भी रेडी हो गई, ब्रेड का चूरा भी रेडी हो गया और हमारा जलाव भी रेडी हो गया। अब आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। अब ये देखिए हमारी जो 2 पीस ब्रेड की हैं तो हम क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे ब्रेड की और ये जो हमारी रबड़ी है इसको हम इसमें लगा देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसको लगा दीजिएगा। इस तरह से लगा दिया और इसको ऐसे करके इसको हम दबा देंगे, अच्छे से इसको हम दबा देंगे। इस तरह से हम पूरा दबा देते हैं, हल्का से जैसे मान लो रबड़ी निकल रही है तो थोड़ा सा ऐसे करके हटा दीजिए। और ये देखिए इस तरह से हम इनको सभी बना लेते हैं। इसमें रबड़ी अंदर लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने जलाव बनाया था ये हमारा ठंडा हो गया है और अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो आप इस तरह से डब कर दीजिए, ऐसे करिए पहले साइड साइड में डब कर दीजिए और इस तरह से डब कर दीजिए, जलाव आपका ठंडा हो जाना चाहिए और इसको फटाक से आप निकाल लो, बहुत देर नहीं करनी है, फटाफट आप इसको निकाल लो और इसमें इस तरह से इसमें आप डुबो दीजिए। बहुत फटाफट इसको जलाव में डालकर और निकाल लेना है। और जो हमारा ब्रेड का जो चूरा है इसमें हमको इसको लपेट देना है। ये देखिए तो इस तरह से हम अपनी सभी ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। हमारी सभी पीसेस रेडी हो गए, अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मिठाई बच्चों को बहुत पसंद आती है तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये फटाफट रेडी हो जाती है और खाने में बहुत अच्छी है, यूनिक रेसिपी है, तो एक बार इसको आप ज़रूर बनाइए। ब्रेड की फटाफट बनने वाली रेसिपी आपको स्वीट कैसी लगी, तो आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू।